हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को मैं फास्ट आपका वेबसाइट का बैकलिंक बनाना सिखाऊंगा। क्या है, अगर हम फर्स्ट टाइम वेबसाइट ओपन करें कि ब्लॉगर में, वर्डप्रेस में या अमेजोन एफिलेट कोई वेबसाइट बनाया, तो उसमें क्या हम बैकलिंक बनाने में परेशान हो जाते हैं। तो मैं जो ट्रिक्स बताऊंगा, आप इसमें बहुत अच्छा वेबसाइट से, जिसकी बहुत पुराना वेबसाइट है, डीपी जिसको अच्छा है, उस वेबसाइट से आप आपका निश रिलेटेड आराम से आप बैकलिंक बना सकते हो। वो भी अगर 1 महीना आप कोशिश करोगे तो 50 बैकलिंक आराम से बना लोगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं जिस वेबसाइट के बारे में बताऊंगा, ये फॉरम वेबसाइट है। फॉरम वेबसाइट से आप आराम से बैकलिंक बना सकते हो। फॉरम वेबसाइट बहुत ही पुराना होता है, इसमें 10 साल, 12 साल, 15 साल, 16 साल की भी पुराना है। इसका डीपी अच्छा है और इसमें ट्रैफिक भी अनलिमिटेड आता है, तो इसमें से आप बैकलिंक बना सकते हो। एक तो आपका बैकलिंक बनाना है, दूसरा आपको ट्रैफिक भी मिल जाएगा। लेकिन मैं इसमें ट्रैफिक के लिए नहीं बात करूंगा, ओनली बैकलिंक कैसे बनाना है आपको। जैसे आपका नया वेबसाइट है, उसमें बैकलिंक के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा कि एक ही वेबसाइट से बहुत सारे बैकलिंक सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको कोई चीज को ध्यान रखना चाहिए। बैकलिंक बनाने से पहले आप इसका स्पैम स्कोर और डीपी सारे चेक करके ही आपको बनाना है। तो आपको कैटेगरी में आना है। ये जो फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हो, इसको आपको फर्स्ट वेबसाइट में बताता हूँ, फाइंड ए फॉरम वेबसाइट है, findaforum.net, उस वेबसाइट में आना है। उसके बाद आपको कैटेगरी में सिलेक्ट करना है, कैटेगरी सिलेक्ट करना और ब्राउज ऑल कैटेगरी में जाना है। अभी ब्राउज ऑल कैटेगरी में जाओगे तो आपका सामने बहुत सारे जो 160, 144 बहुत सारे वेबसाइट आएगा। तो आपका निश रिलेटेड फॉरम से आपको बैकलिंक बनाना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, नहीं तो बीच में आप छोड़ दोगे तो आपको समझ में कुछ चीज मैं लास्ट में बताऊंगा। जो बैकलिंक अगर कोई भी वेबसाइट में आप लेते हो, इसमें फॉरम वेबसाइट में, ऐसे सीधा थोड़ा बहुत लिख के आपने लिंक डाल दिया, तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा या बंद कर देगा। तो बैकलिंक लेने का सही तरीका होना चाहिए। अच्छा, तो अभी मैं कोई भी वेबसाइट में जाता हूँ, जैसे मैं एफिलेट मार्केटिंग की, जैसे मैंने एक एफिलेट अमेजोन एफिलेट मार्केटिंग वेबसाइट बनाया जिसमें मेरे को बैकलिंक चाहिए पोस्ट का या वेबसाइट का। तो जैसे मैं एफिलेट मार्केटिंग इसमें आऊंगा, इसमें से बहुत सारे मेक मनी ऑनलाइन भी ले सकते हो, इसमें एफलो, मेरा एफिलेट, बहुत सारे वेबसाइट है। तो किसी भी एक वेबसाइट को मैं ले लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, आपको जिस वेबसाइट के बारे में बताता हूँ, ये एफिलो, क्या एफिलो मेरा जो वेबसाइट है, एफिलो मेरा, तो यहाँ से मैंने उठाया एफिलो मेरा। कौन सा ये एफिलो मेरा वेबसाइट है, तो इसके बारे में मैं ट्विस्ट एफिलेट मार्केटिंग, जिसमें दोबारा मैं एक बार जाता हूँ, एक सेकेंड, मैं एफिलो मेरा इस वेबसाइट के बारे में बात करता हूँ। तो इसको मैं ओपन करता हूँ एक बार न्यू इसमें, तो ये इसको नहीं ओपन हुआ, तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ पहले पूरा। अच्छा, ये ओपन हो गया। तो अभी बात क्या है, आपको एक बार डीपीए चेक करना है। तो मैं इस वेबसाइट का एक बार डीपीए चेक कर देता हूँ, तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो डीपीए आपको चेक करना, मैं एक बार चेक किया अब लोगों को दिखाने से पहले, कभी गलती ना हो जाए। तो इसमें आपको चेक कर लेना डीपीए, सबसे मेन चेक करना है, स्पैम है उस वेबसाइट, स्पैम है तो नहीं है। तो इसमें देखो कि मैं बताता हूँ, इसके 58 DA है, 57 PA है और 38,000 बैकलिंग से, टोटल बैकलिंग 10,000 है। और ये एज नहीं दिखा रहे, मैंने अभी एक बार चेक किया था, 16 साल पुराना वेबसाइट है। और सबसे मेन चीज है, स्पैम स्कोर इसका 1% है, ऑन पेज इशू 60% है। जो भी है, आप इस वेबसाइट से आराम से बैकलिंग बना सकते हो। लेकिन बात है भाई, अगर आप बैकलिंग बनाते हो तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट क्रिएट करना। अकाउंट क्रिएट करना कुछ नहीं है, कोई छोटा बच्चा भी कर सकता है, 5 क्लास का जो कंप्यूटर में बैठता होगा। तो आपको एक साइन अप फॉर्म बनना पड़ेगा। साइन अप फॉर्म बनने के बाद एक आपका ईमेल में एक कॉन्फर्मेशन मैसेज जाएगा, उसमें से आप क्या कर सकते हो, आराम से एक अकाउंट बना सकते हो। अच्छा, अकाउंट बनाने के बाद आपको जैसे मैंने ये अकाउंट बनाया, कोने पे अकाउंट बनाया, देखो। तो अकाउंट में आपको प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल सेक्शन में जाना है फर्स्ट। जैसे ये हमारे सारे डिटेल्स भर दिया, तो इसमें एक बैकलिंक ये वेबसाइट का दे रखे है, इसमें आप एक बैकलिंक बना सकते हो। उसके बाद आपको सिग्नेचर डालना है, उसके बाद अबाउट आपके लिए कुछ लिखना है, इसमें टाइप जोन आपको फिलअप करना है और इसमें सारी चीज आपको देखनी है, यूजर नाम वगैरह, ठीक है। अभी बैकलिंक कैसे बनाना है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, बैकलिंक बनाने के लिए आपको इस वेबसाइट का, जैसे आप फॉरम में जाओगे,
जैसे मैंने फोरम में गया, फोरम में जाए, इसमें से बहुत सारे बंदा क्वेश्चन करता है, बहुत सारे क्वेश्चन करता है, जो क्वेश्चन का आंसर देना है। अभी सवाल है, आप क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे? तो आपको बैकलिंक से मतलब है ना, तो आप क्या करना है, इसमें से क्वेश्चन ढूंढना है। तो मैं इसमें सर्च अन आंसर व्यू आंसर पोस्ट में जाता हूँ, तो इसमें मेरे को बहुत सारे आना, जैसे वायर आई मोनेटाइज में ब्लॉग, तो इसको मैं उठाता हूँ, वायर टू आई मोनेटाइज में ब्लॉग, इसको उठाता हूँ, 24 व्यूज है, मैं ज्यादा व्यूज वाला ले लेता हूँ। बिंगो पार्टनर प्रोग्राम व्हिच एफिलिएट प्रोग्राम फॉर वर्क, अच्छा एफिलिएट टू वर्क्स, इसमें और भी मैं देख लेता हूँ एक दो, अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसमें कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हो, तो आप इसमें एक क्वेश्चन को ले लेता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को क्लिक करता हूँ, इसमें 74 व्यूज है, कोई बात नहीं, इसमें कोई आंसर नहीं दिया। अब इसमें टॉपिक लॉक कर दिया, तो मैं ऐसे कोई क्वेश्चन ढूंढता हूँ जिसमें टॉपिक ओपन है, तो मैं दोबारा फॉरम में जाता हूँ, जाने के बाद मैं कोई भी एक क्वेश्चन लेता हूँ, डिफरेंट बिटवीन ब्लू प्रिंट, हेल्प टू ट्रांसफर माई डोमेन नेम, कोई बात नहीं, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें फाइंड करना है, आप यह सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसमें जाता हूँ, सबसे बेस्ट है, तो मैंने एक क्वेश्चन निकाल दिया, हाउ टू राइट प्रोडक्ट रिव्यू, अभी इसमें ये आंसर देना है। देखो बहुत सारे बंदे बैकलिंग लिया, इसमें बैकलिंग भी नया वेबसाइट डेट कुछ लिखा, बैकलिंग बना लिया, तो आपको यहाँ से कैसे बैकलिंग लेना है, मैं सबसे ऐसे तरीका बताऊंगा जिसमें से आप 100% उस टॉपिक को हटाएगा नहीं और बैकलिंग परमानेंट रहेगा और आपका जो अकाउंट है वो डिलीट नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, जो हाउ टू राइट प्रोडक्ट रिव्यू, इसको उठाना है और आपको मैं एक वेबसाइट बता रहा हूँ जिसमें आर्टिकल जनरेट कर सकता है, जैसे मैं दिखाता हूँ, आप गूगल में आना, तो आपको आना है गूगल में और आपको टाइप करना है आर्टिकल जनरेटर, articlegenerator.org, ये फ्री है, बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको उस कीवर्ड के रिलेटेड एक आर्टिकल जनरेट करना है, हाउ टू राइट प्रोडक्ट रिव्यू, तो आपको सही ढंग से आंसर देना है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, जैसे मैं क्लिक करूंगा इसमें क्या है, देखो प्रॉपर रेस्पॉन्ड नेगेटिव रिव्यू ऊपर, इसमें 3 आर्टिकल जनरेट कर देगा, हैज बीन ऑर्डर्ड वेस्ट आर्टिकल्स, अभी मैं कोई भी एक आर्टिकल ले लूंगा, अच्छा इसमें डोंट वेस्ट मनी एंड प्लीज एप्पल प्रोडक्ट, अच्छा 25 एडुकेशन, ठीक है, दिस इज, मैं यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ से पूरा, ज्यादा नहीं है, इसमें इमेज भी डाला है, तो ये आर्टिकल मैं नहीं लूंगा, तो कोई बात नहीं, मैं फर्स्ट वाला ले लेता हूँ, यहाँ से मैं पूरा इस आर्टिकल्स को उठा लूंगा, कहाँ तक उठाऊंगा, कंक्लूशन लास्ट तक, ठीक है, कंक्लूशन लास्ट तक उठाऊंगा, और इस आर्टिकल में कहाँ डाला, मैं कहाँ देखा अभी, अच्छा इसका आंसर देना है मेरे को, इस आंसर को मैं यहाँ करूंगा पेस्ट, जैसे आंसर को पेस्ट किया, मैं अभी क्या है, अभी इसमें मेरे लिंक डालना है, तो इसमें आप आराम से इसके नीचे भी डाल सकते हो और इसके अंदर भी डाल सकते हो, तो इसके कंक्लूशन रिव्यू रिप्रेजेंट, आपको ऐसे एक जगह ढूंढना पड़ेगा जिसमें आप उस बैकलिंक लगा सकते हो, तो इसमें एंटर करके फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, सॉरी इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ डॉट देके आप क्या कर सकते हो, आपका जो वेबसाइट है, जैसे मैं अपना वेबसाइट का, जैसे मैं अपना वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, ठीक है, मोर ऑन फर्क, या कोई आप अपना कुछ एक ब्लॉग पोस्ट का भी डाल सकते हो, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ब्लॉग पोस्ट का भी डाल सकते हो, मोर इन्फॉर्मेशन करके मैं यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, ये मेरा वेबसाइट का पेस्ट हो गया। अभी मैं इस आर्टिकल को सबमिट करूंगा, सबमिट करने से क्या होगा, ये पूरा टॉपिक ले लिया और इसमें से आपका अकाउंट डिलीट भी नहीं करेगा और आपको एक अच्छा खासा बैकलिंक, देखो आंसर मैंने दे दिया, आंसर कितने बना, मैंने सबसे बड़ा आंसर दिया और इसमें देखो मेरा बैकलिंक बन गया, तो ऐसे करके आपको बैकलिंक, और ये पता है नो फॉलो डू फॉलो बनता है, मैं इसमें एक बार चेक करके दिखता हूँ, शायद नो फॉलो बनता है, डू फॉलो बनता है, मेरे को इतना ही इसमें, अच्छा नो फॉलो बन जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक बैकलिंक मिल जाएगा, और दूसरी बात क्या है, आप इसमें से
बैकलिंग, ऐसे आप बहुत सारे बैकलिंग बना सकते हो, कम से कम एक महीने में 30-40 बैकलिंग आप जब बिगिनर हो उस टाइम इस बैकलिंग को बना सकते हो। तो इस वीडियो को पसंद है लाइक या शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।